तहसील रावेर के खानापुर गांव में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र रोड स्थित रेलवे पुलिया के नीचे 24 घंटे गंदा पानी भरा रहता है। यहां नालों नालियों के माध्यम से गंदे पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं की गई है, इससे पुल के नीचे गंदा पानी और कीचड़ भरा रहता है। पुलिया के उस पार 2-3 छोटे गाँव है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि गांव के किसानों को खेती करने के लिए दिन हो या रात पेट भरने के लिए खेत में पुलिया के नीचे से काम करने के लिए बड़ी चुनौती का सामना कर जाना पड़ता है। यहाँ के भोले वाले किसानों का कहना है कि पुल के नीचे पानी और कीचड़ के साथ ही कभी भी बड़े सांप यहाँ घूमते हुए नजर आए हैं। अगर बैल को ये सांप काट ले तो हमारा हजारों और लाखों रुपयों का नुकसान हो सकता है। साथ ही रेलवे पुल के उस पार कब्रिस्तान और वैकुंठ धाम भी बना हुआ है। गाँव में जब कोई मर जाता है तब बारिश के दिनों में पुलिया के नीचे और बाहर का सारा पानी होने के कारण प्रेत यात्रा ले जाते हुए कई बार बड़ी समस्याएं दुर्घटनाएं होने का संभावना है। किसानों का कहना है कि इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत सचिव सरपंच को भी कई बार बताया गया, साथ ही तहसील रावेर के विधायक और सांसद को भी यह बात बताई गई, लेकिन सब अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि जल्द ही समस्या का निवारण नहीं किया जाए तो अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार ग्राम पंचायत तथा प्रशासन रहेगा। 12 महीने पानी में ही जाना पड़ता, पंचायत का पानी पूरा गांव का पानी यहाँ पर नीचे रुका रहता, सब कोई मरना इधर कोई मर गया वो दफन के लिए भी यहाँ पे जाना पड़ता, मशान भूमि में गाड़ी में से ही जाना पड़ता लोगों को। अरे पानी में कोई सांप निकल गया, बैल को काटा, बैल 1 लाख की जोड़ी है हमारी, उसको जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन इसकी तरफ कोई ख्याल दे रही नहीं, ग्राम पंचायत ख्याल दे रही नहीं है, कोई आमदार खासदार इधर से जाते वो भी ख्याल दे रहे नहीं, कोई बाजू में खेड़ा है, 2-3 खेड़े यहाँ पे निरोल पाडला और यहाँ से गिर गए, ये पानी में से गिर गए 2-3 बार, बहुत है ना, बहुत साफ तो बहुत है ना यहाँ पे, 1 लाख की जोड़ी भाई साहब हमारी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? 3 बार लेके अर्ज दिए कोई ख्याल नहीं दे रहा पंचायत वाले, कोई नहीं आता यहाँ पे सरपंच। NBC न्यूज़ के लिए रावेर से उमाकांत मराठे की रिपोर्ट।